मकसदे माल दौलत नहीं है मेरा, मकसदे माल दौलत नहीं है मेरा, नात पढ़ता हूँ उनकी खुशी के लिए। वल्लाह वल्लाह वल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सच्चा है माल मालिक, सच्चा है माल खालिक, सिवाय उस वाहिद यकता के कोई इबादत के लायक नहीं। सच्चे हैं उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी गुलामी में हम जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सभी को अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पे चलने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे इस्लामी भाइयों बहनों, उम्मीद है कि आप सभी हजरात खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सभी को खुशहाली अता फरमाए और माह रमजान शरीफ के फैज़ो बरकात से मालामाल फरमाए। मोहतरम सामईन, आज हम आपको तहाबी की नियत बताएंगे कि किस तरीके से तहाबी की नियत की जाती है। सबसे पहले आप इस बात को जानें कि ज़बान से कहना ये मुस्तहब है और असल नियत जो है ये दिल के इरादे का नाम है। असल नियत दिल के इरादे का नाम है, ज़बान से कहना नियत के अल्फाज ये मुस्तहब है। जैसे कि अगर आप ज़ोहर की नमाज पढ़ रहे हैं, आपने आपके दिल में ये इरादा कि आप ज़ोहर की नमाज पढ़ रहे हैं और आपने ज़बान से कह दिया कि हम असर की नमाज पढ़ रहे हैं, तो आपकी ज़ोहर की नमाज हो जाएगी। तो नियत जो है वो असल दिल के इरादे का नाम है। मेरा अकीदो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन नमल आमाल बिन्नियाद, आमाल का दारोमदार नियत पर है। तो मोहतरम सामईन, असल नियत जो है वो दिल के इरादे का नाम है और ज़बान से कहना ये मुस्तहब है। लेकिन हम लोगों को चाहिए, बेहतर ये है कि जब हम जिस वक्त की नमाज पढ़ें तो उस वक्त हम लोगों को नियत कर लेनी चाहिए। जैसे कि आप किसी वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं और आपसे किसी ने पूछ लिया, मालूम कर लिया कि कौन से वक्त की नमाज आप पढ़ रहे हैं, आपने थोड़ी देर सोच कर बताया, तो आपकी नियत नहीं है। तो इस तरीके से जब आपकी नियत नहीं है तो नमाज भी नहीं होगी। तो हम लोगों को चाहिए कि जब हम नमाज के लिए खड़े हों तो नियत कर लें। आज हम आपको तरावी की नियत बताते हैं कि किस तरीके से नियत की जाती है। आप चाहें तो दो दो रकात की नियत भी बांध सकते हैं, अगर आप चाहें तो 200 रकात की नियत भी एक साथ बांध सकते हैं। लेकिन बेहतर तरीका यही है कि दो दो रकातों की नियत कर ली जाए। जैसे कि नियत की मैंने दो रकात नमाज तरावी सुन्नत मुअक्कदा अल्लाह ताला के लिए, पीछे इस इमाम के मुंह में तरफ काबा शरीफ के अल्लाहु अकबर। अगर आप तनहा नमाज पढ़ रहे हैं, अकेले नमाज पढ़ रहे हैं, तो पीछे इस इमाम के नहीं कहना है। और अगर आप 20 रकात की नियत एक साथ बांधना चाहते हैं तो आप इस तरीके से बांधे, नियत की मैंने 20 रकात नमाज तरावी सुन्नत मुअक्कदा पीछे इस इमाम के मुंह में तरफ काबा शरीफ के अल्लाहु अकबर। तो मोहतरम सामईन, इस तरीके से तरावी की नियत बांधी जाती है। आप इस बात को समझने के जबान से कहना नियत के अल्फाज ही मुस्तहब है और असल नियत जो है वो दिल के इरादे का नाम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।